So in question number 21, area of cross section of water flowing through tap constricts to half of initial value while falling through a height of 5 meter. The velocity of flow of water when it just emerges from tap is, it is given that the value of g is 10 meter per second square. तो ये एक टैप है मान लीजिए और यहां से पानी फॉल कर रहा है. तो जब पानी वाटर फॉल कर रहा है तो किसी इंस्टेंट पे जाके जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो रिड्यूस होकर हाफ हो जाता है. तो यहां पर मान लीजिए एरिया ए है तो यहां पर एरिया ए बाय टू हो जाएगा. तो इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी वी वन है लिक्विड वाटर की और यहां पर जो वेलोसिटी है वाटर की वो है वी टू. ठीक है. सो फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आई कैन से दैट V2 is equal to 2 times V1. Okay. तो अब जो लिक्विड मॉलिक्यूल यहां से निकलेगा दैट विल फॉल अंडर ग्रेविटी. तो हम कह सकते हैं कि V2 का स्क्वायर इज इक्वल टू V1 का स्क्वायर प्लस 2GH. तो यहां से यहां तक की जो हाइट है फॉल करने की वो H है मान लीजिए. ठीक है. मुझे V1 के लिए कैलकुलेट करना है तो V2 का स्क्वायर हो जाएगा 4V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू V1 का स्क्वायर प्लस 2GH. ठीक है. तो यहां से आ गया V1 इज इक्वल टू अंडर रूट 2GH बाय 3. तो डाटा मैं पुट कर देता हूं दैट इज इक्वल टू 2 इंटू जी की वैल्यू है 10, H दिया गया है 5 मीटर डिवाइडेड बाय 3. तो ये आ जाएगा 10 बाय रूट 3 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर. In question number 22, a hollow sphere of volume V is floating on water surface half immersed in it. If it is given that initial volume of water inside the sphere is V by 3, then additional volume of water to be put in a sphere so that it just float with fully submerged in water. The situation ko hum pehle samajhte hain. To situation kuch is tarah se di gayi hai ki maan lijiye ye ek tank hai aur is water tank mein ek sphere rakha gaya hai. इस तरह से रखा गया है कि पहले इसका हाफ वॉल्यूम उसके अंदर पानी के अंदर समर्ज्ड है. ठीक है. और इसके अंदर जो वाटर फिल है उसका जो वॉल्यूम दिया गया है वो दिया गया है V बाय 3. ये वॉल्यूम V बाय 3 दिया गया है और ये जो वॉल्यूम है यहां से लेके यहां तक का ये है V बाय 2. ठीक है. तो अगर मान लीजिए डेंसिटी लिक्विड की रो है तो अगर इसका मास अगर m है. ठीक है. तो इसका स्फीयर पे अगर मैं देखूं तो mg इधर लग रहा होगा. ठीक है. और जो अंदर का पानी भरा हुआ है उसकी वजह से भी इससे फोर्स लग रहा होगा और बाहर से बॉयंसी लग रहा होगा लिक्विड की वजह से. ठीक है. तो मैं कह सकता हूं कि जो mg होगा दैट इज इक्वल टू फर्स्ट सिचुएशन में तो जो बॉयंसी एक्ट हो रही है अपवर्ड डायरेक्शन में वो होगी वॉल्यूम है V बाय 2 इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू G माइनस अंदर वाले पानी की वजह से जो लोड आ रहा होगा उस पर वो होगा वर्टिकल डायरेक्शन में V बाय 3 इंटू रो इंटू G. ठीक है. तो इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो ये आ जाएगा V रो G बाय 6. ओके. तो mg की वैल्यू आ जाएगी V रो G बाय 6 के बराबर. नाउ लेट्स द सेकंड सिचुएशन. सेकंड सिचुएशन में एडिशनल वॉल्यूम वाटर टू बी पुट इन स्फीयर सो दैट इट जस्ट फ्लोज विथ फुली समर्ज इन वाटर. तो इस सिचुएशन में अब ये पानी के अंदर आ गया है पूरा स्फीयर. ठीक है. और फुली समर्ज हो गया है. तो फुली समर्ज हो गया है तो मान लीजिए इसके अंदर जो पानी फिल किया है अब जो पानी हो गया इसके अंदर वो हो गया उसका वॉल्यूम वी डैश. ठीक है. तो मैं कह सकता हूं कि जो mg होगा इस सिचुएशन में दैट इज इक्वल टू बॉयंसी इस केस में होगी V रो G माइनस अंदर वाले पानी की वजह से जो लोड आ रहा होगा वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो होगा V डैश इंटू रो G. ठीक है. मुझे V डैश के लिए कैलकुलेट करना है तो mg की वैल्यू है V रो G बाय 6 दैट इज इक्वल टू V रो G माइनस V डैश रो G. ठीक है. तो जब यहां से मैं सोल्व करूंगा V डैश के लिए तो V डैश कम्स आउट टू बी 5 V बाय 6. ठीक है. यानी जो एडिशनल वाटर ऐड किया है वो होगा हमारा आंसर जो होगा वो होगा V डैश माइनस V बाय 3. ठीक है. तो 5 V बाय 6
माइनस वी बाय थ्री, तो इसको जब मैं सोल्व करूंगा 6 एलसीएम आ जाएगा, जब सोल्व करूंगा तो यह आ जाएगा वी बाय टू. सो ऑप्शन वन इज द करेक्ट आंसर. इन क्वेश्चन नंबर 23, अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास एम लेंथ एल क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इज रोटेटेड इन ग्रेविटी फ्री स्पेस अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स एंड एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ विद कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन. तो सिचुएशन ये है कि एक ये रॉड है और इस रॉड को हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट कर रहे हैं इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, जो कि कॉन्स्टेंट है. ठीक है, रॉड का मास एम है, लेंथ एल है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है. नाउ फर्दर व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, इंक्रीज इन लेंथ ड्यू टू रोटेशन ऑफ रॉड इज एंड वाई इज द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. तो जब ये इंक्रीज रोटेट होगी तो उसकी वजह से कितना इंक्रीज होगा इसकी लेंथ में रॉड की में, ये मुझे कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो उसके लिए मान लीजिए मैं यहां से, तो यहां से मैं एक्स डिस्टेंस में जाके एक एलिमेंट कंसिडर करता हूं जिसकी लेंथ है dx. तो इस एलिमेंट की लेंथ है dx और इस dx के मोशन को मैं कंसिडर करता हूं. ठीक है, तो इस dx पे जो टेंशन लग रही है वो मान लीजिए t लग रही है. ठीक है, तो t अगर इस पे टेंशन लग रही है तो वो मैं टेंशन कैलकुलेट कर लेता हूं. टेंशन की वैल्यू होगी, तो इस वाले सेगमेंट पे अगर मैं देखता हूं तो टेंशन t एक्ट हो रही है. ठीक है, तो टेंशन कितनी लग रही होगी, टेंशन की वैल्यू होगी m, m हो जाएगा m बाय l इंटू एल माइनस एक्स, ये तो होगा m इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इंटू r. तो r जो होगा वो इसके सेंटर ऑफ मास वाले पॉइंट से लिया जाएगा. ठीक है, तो यानी वो हो जाएगा x प्लस एल माइनस एक्स अपॉन टू, यानी ये आ जाएगा एल प्लस एक्स बाय टू. तो ये टेंशन एक्ट हो रही होगी इस पॉइंट पर. तो मान लीजिए dx में जो टेंशन लग रही है उसकी वजह से इलोंगेशन इसके अंदर आ गया dy. तो मैं लिख सकता हूं स्ट्रेन dy अपॉन dx इज इक्वल टू टेंशन दैट इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन y. ठीक है, तो स्ट्रेस होगा t बाय a, तो t की वैल्यू मैं रख रहा हूं m ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2l ए वाई और मल्टीप्लाई कर रहा हूं. ठीक है, इंटू एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा डीवी बाई डी एक्स. तो अगर मैं dx को इधर ले जाता हूं और इंटीग्रेट कर देता हूं तो नेट लेंथ जो मिलेगी मुझे, नेट इलोंगेशन जो मिलेगा y, x वेरीज फ्रॉम 0 टू l. ठीक है, तो ये हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2l ए वाई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स. तो कॉन्स्टेंट टर्म बाहर आ जाएगी, तो ये आ जाएगा, इसको जब मैं इंटीग्रेट करूंगा दिस विल कम्स आउट टू बी एम ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन 3 ए वाई. सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर. इन क्वेश्चन नंबर 24, व्हेन ए कॉन्स्टेंट फोर्स एफ इज अप्लाइड एट वन एंड ऑफ द इलास्टिक वायर then the ratio of work done by force to that of the potential energy stored in the wire is. तो देखिए, मान लीजिए कि वायर है और इस वायर की लेंथ l है. ठीक है, तो ये वायर वर्टिकल प्लेन में मैंने रखा हुआ है और इस पर अगर मैंने कोई कॉन्स्टेंट फोर्स f अप्लाई किया तो इसकी वजह से मान लीजिए इसका जो इलोंगेशन है वो x होता है. तो ये इसका इलोंगेशन हुआ x. ठीक है, तो इस पर अभी भी ये फोर्स f लग रही है, कॉन्स्टेंट फोर्स, और ये इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाती है, इसकी स्टडी स्टेट रीच कर जाती है. तो मैं कह सकता हूं कि वर्क डन बाय फोर्स एफ होगा एफ इंटू एक्स, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है. ठीक है, और इस एक्सटेंशन की वजह से जो इसमें एनर्जी स्टोर्ड होगी वो मैं कैलकुलेट कर लेता हूं. तो एनर्जी स्टोर्ड होती है हाफ इंटू स्ट्रेस, तो स्ट्रेस होगा एफ अपॉन ए, अगर ए इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इंटू स्ट्रेन, स्ट्रेन हो जाएगा एक्स बाय एल इंटू वॉल्यूम ऑफ द वायर. दिस मीन्स दैट इट इज इक्वल टू ए इंटू एल. तो जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये आ जाएगा एफ एक्स बाय टू. तो इसीलिए जब मैं रेशियो निकालूंगा डब्ल्यू एफ अपॉन यू का, तो इस कम्स आउट टू बी 2:1. सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर. इन क्वेश्चन नंबर 25, अ यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर मेड ऑफ ए मटेरियल ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के इज कम्प्लीटली इमर्ज्ड इन ए लिक्विड एट ए डेप्थ एच
बिलो द सरफेस ऑफ वाटर. ठीक है, तो यहां पर फर्दर व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, अ मासलेस पिस्टन ऑफ एरिया ए फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड. नाउ ए मास कैपिटल एम इज प्लेस्ड ऑन द पिस्टन एंड द बॉटम ऑफ द लिक्विड वेसल इज कंप्लीटली ओपनड अप. फर्दर वी हैव टू कैलकुलेट द फ्रैक्शनल चेंज इन द रेडियस ऑफ द स्फीयर डेल्टा आर अपॉन आर एंड रो इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड. सो इन दिस सिचुएशन इट इज गिवन दैट इनिशियली स्फीयर इज हेयर. ठीक है, और इस स्फीयर पर यहां पर एक ब्लॉक रखा होगा एम. और फाइनल सिचुएशन में जब ओपन अप कर देंगे तो नीचे से पानी निकल जाएगा, तो ये स्फीयर होगा और पिस्टन के ऊपर अभी भी ब्लॉक रखा होगा एम. ठीक है, ये सिचुएशन है, ये फाइनल सिचुएशन है और ये इनिशियल सिचुएशन है. ठीक है, तो इन दोनों सिचुएशन में मैं ये कह सकता हूं कि जो प्रेशर का डिफरेंस आएगा वो इस लिक्विड कॉलम की वजह से आएगा. तो डेल्टा पी जो होगा दैट इज रो जी एच, ये प्रेशर का डिफरेंस आ रहा है. और क्योंकि प्रेशर रिलीज हो रहा है, पहले प्रेशर ज्यादा था अब प्रेशर कम है स्फीयर के ऊपर, तो मैं कह सकता हूं कि जो उसका वॉल्यूम होगा वो इंक्रीज करेगा. ठीक है, तो बल्क मॉडुलस के इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी. ठीक है, तो डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल टू डेल्टा पी दैट इज रो जी एच अपॉन के, बल्क मॉडुलस के. ठीक है, और हम जानते हैं कि वी इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल टू 3 times डेल्टा आर अपॉन आर, तो दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 3 times डेल्टा आर अपॉन आर. तो यहां से डेल्टा आर अपॉन आर आ जाएगा रो जी एच अपॉन 3 के. सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर. माइनस नहीं आएगा क्योंकि प्रेशर कम हो रहा है तो वॉल्यूम बढ़ेगा. ठीक है, तो डेल्टा आर बाय आर का रेशियो भी बढ़ेगा. सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 26.